नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम, जो आपका अगले महीने होने वाला है 2022 का एग्ज़ाम, उसके लिए जो हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। देखिए, हमारे चैनल पर लगातार आपको जो है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 के लिए टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस सेट मिलेगी और जो है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी जो है हम आपको देने वाले हैं। तो आप चैनल पर अगर पहली बार हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे जो है आप स्कोर कर पाएँ। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हमने जो है 40 क्वेश्चन रखे हैं, 40 क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस सेट के हिसाब से हैं और बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार है। और ये जो आपका प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है, वो हमने यहाँ पर लिया है। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे? कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पाषाण या फिर लौह। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। लौह युग, लौह तो इसमें खोजा ही नहीं गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें कि लोहा कब खोजा गया था, तो लोहा जो है वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी और सबसे पहले खोजा गया धातु कौन सा था, वो था तांबा। तो इसे ताम्र कांस्य सभ्यता भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन बेमेल है? देखिए, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बेमेल पहचानना है। तो देखिए, इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में ही हुई थी, ये बिल्कुल सही है। मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। देखिए, जो एका आंदोलन है, एका आंदोलन 1919-20 में नहीं बल्कि 1921-22 में हुआ था। एका आंदोलन कब हुआ था? 1921-22 में अवध के किसानों के द्वारा हुआ था। ये भी याद रखिए, किसके द्वारा हुआ था? अवध के किसानों के द्वारा हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। तो हमारा यहाँ पर सी वाला जो है ऑप्शन सुमेलित नहीं है। इसके अलावा नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 में आया था, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी केवल जो है मैच नहीं कर रहा है। तीसरा प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? देखिए, नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन आप सभी को पता है कि यह राजनीति शास्त्र की एक पुस्तक है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है यहाँ पर राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य का ही नाम विष्णुगुप्त है, चाणक्य है, आप सभी को पता है। और यह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और उनके प्रधानमंत्री भी थे। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो देखिए, पानीपत की तीनों लड़ाई से एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आप याद रखिए, 1526 में पहला पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर की। और इसी के बाद जो है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 26 में पानीपत का युद्ध हुआ था, 27 में खानवा का युद्ध हुआ था, 28 में चंदेरी का युद्ध हुआ था और 29 में घाघरा का युद्ध हुआ था। ये चारों आप याद रखिए, बाबर द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्ध हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित गुप्त शासक का कालक्रम निर्धारित करिए। देखिए, इसमें गुप्त शासक दिए हुए हैं, हमें जो है इनका कालक्रम निर्धारित करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए श्रीगुप्त का समय क्या था? सबसे पहले गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने। तो सबसे पहले इनका कार्यकाल हो जाएगा, इनका कार्यकाल था 240 से शुरू हुआ था और 280 तक। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा पहला हो जाएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में टिक लगाने का तरीका होता है कि आप अगर एक दो ऑप्शन पहचान जाएंगे तो आप आंसर लगा देंगे। तो देखिए, सी केवल ऑप्शन सी में पहला दिया हुआ है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सीधे सी हो जाएगा। तो सबसे पहले श्रीगुप्त आ जाएंगे, दूसरे पे समुद्रगुप्त, तीसरे पे आ जाएंगे आपके रामगुप्त और चौथे पे आ जाएंगे स्कंदगुप्त। तो इसमें अगर आप एक पहचान लेते हैं, ऐसे ही लेखपाल एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था, उसमें कुछ बांध के नाम दिए हुए थे और जगह के नाम, नदी के नाम दिए हुए थे, उनको मैच करना था। तो अगर आप एक पहचान लेते हैं या दो पहचान लेते हैं तो आप आसानी से मैच कर पाएंगे। छः नंबर प्रश्न है, 1764 में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बक्सर के युद्ध और प्लासी के युद्ध से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो बंगाल का गवर्नर कौन था? तो हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें बंगाल के गवर्नर थे वेंसी टार्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा, वेंसी टार्ट। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वेंसी टार्ट। और 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इसमें सेनापति कौन था अंग्रेजों का? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेक्टर मुनरो। इनका भी नाम कई बार पूछा जाता है, हेक्टर मुनरो ने जो है सेनापति जो है बने थे। सातवां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी, यानी कि स्थापना की बात पूछी जा रही है। तो देखिए, 1885 जो है कांग्रेस की स्थापना होती है बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी,
इस समय भारत के वायसराय कौन थे, ये भी पूछा गया है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन जो थे उस समय भारत के वायसराय थे। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष बने थे, और ए ओ ह्यूम जो है संस्थापक माने जाते हैं, और पहले सचिव कौन बने थे, पहले महासचिव बने थे ए ओ ह्यूम। तो इतने प्रश्न आप याद रखिए कांग्रेस के अधिवेशन से। अगला है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 1951 में जो है भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था विनोबा भावे के द्वारा, और विनोबा भावे से एक प्रश्न हो रहा है, रखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नवा प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ईस्ट इंडिया का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। सही आंसर क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। देखिए 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय भारत के में जो है कौन सा पद बनाया गया था, बंगाल का गवर्नर बनाया गया था पद, और उसके बाद जो है पहला जो गवर्नर जनरल बना कब, 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से वॉरेन हेस्टिंग्स जो है भारत का पहला गवर्नर बना। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है याद रखिए, पहला गवर्नर कौन बना, जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। दसवां प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ, तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था वो 1942 में हुआ था। कब हुआ था, 1942 में, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ग्यारहवां प्रश्न है, अभ्रक यानी कि माइका किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है, तो यदि हम अभ्रक के उत्पादन की बात करें तो अभ्रक का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में वो झारखंड में होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, अभ्रक झारखंड में, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बारहवां प्रश्न है, अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में संपन्न होती हैं, तो देखिए जो मौसमी घटनाओं का संबंध है वो होता है क्षोभ मंडल से। सही आंसर क्या हो जाएगा, मौसमी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में होती हैं, ये आप याद रखिए। और जो हवाई जहाज उड़ता है वो कहाँ पर उड़ता है, वो समताप मंडल में उड़ता है हवाई जहाज। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस परत में जो धूल कण एवं जलवाष्प जो है मौजूद रहते हैं क्षोभ मंडल में ही। अगला प्रश्न है 13वां, जोजिला दर्रा जो है किसे जोड़ता है, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार पूछा गया, तो जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किसको, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है, यानी कि जो समुद्री बंदरगाह भी हो और तेल परिष्करण केंद्र भी हो, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए मंगलौर की बात करें, हल्दिया की बात करें और विशाखापत्तनम। मंगलौर कहाँ पर है, कर्नाटक में, हल्दिया कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, और विशाखापत्तनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ये तीनों जो हैं आपके समुद्री बंदरगाह भी हैं, इसके अलावा वो परिष्करण केंद्र भी हैं तेल के, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन कौन से हैं, तो देखिए जो स्वर्ण त्रिभुज हम कहते हैं उसमें हमारा आगरा पहले नंबर पर आता है, दिल्ली दूसरे नंबर पर आता है और जयपुर। तो अगर आप ऐसे देखें तो आगरा, दिल्ली और जयपुर जो है स्वर्ण त्रिभुज में, यहाँ पर आगरा हो गया, यहाँ पर दिल्ली हो गया और यहाँ पर जयपुर, इसे हम स्वर्ण त्रिभुज मानते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रोस्पेक्ट शीर्षक से रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट शीर्षक से जो है रिपोर्ट जारी किया जाता है। यूएन की स्थापना कब हुई थी, देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पिछली बार पेट में पूछा गया था कि यूएन की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है आपकी यूएन की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर को इसीलिए जो है यूएन डे मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ये भी याद रखिए, न्यूयॉर्क में आपका यूएन का मुख्यालय है। यूनेस्को की बात करेंगे तो यूनेस्को आपका पेरिस में हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र में क्षेत्र जो है वनों से आच्छादित होना चाहिए, तो आप कह लीजिए 1/3 या फिर 33% जो है क्षेत्र जो है वनों से आच्छादित होना चाहिए भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार, वन नीति के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वन कौन से राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई, तो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। 18वां प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति नई आर्थिक नीति के रूप में निम्न में से किस प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार की गई, देखिए इसे हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि एलपीजी की जो नीति थी वो कब आई थी, 1991 में। इसे बोलते हैं इकोनॉमिक सेक्टर रिफॉर्म, जो उसमें वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह, और उसमें हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, तो उसमें प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्हीं के टाइम में जो पंचायती राज व्यवस्था भी जो देश में लागू हुआ था और
एलपीजी की नीति यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण भी जो है इन्हीं के टाइम में लागू हुआ था। तो ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो देखिए, जो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ये कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व भारत में रहेगा, यानी कि प्राइवेट भी चीज चलेंगे और सरकारी भी चीज रहेगा, यानी कि इसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का मिश्रण आपको देखने को मिलेगा भारतीय अर्थव्यवस्था में, इसलिए हम भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। 20वां प्रश्न है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम प्रभावी हुआ भारत में कब से? तो जो विशेष आर्थिक क्षेत्र का अधिनियम है ये भारत में लागू हुआ था सन 2006 से। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। देखिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो है ये शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी ऑप्शन जो है 2006 से प्रभावी हुआ हमारा, ये करेक्ट हो जाएगा। शुरुआत इसकी 2005 में हो गई थी लेकिन प्रभावी 2006 से ही आंसर होगा। अगला है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था जो है संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो देखिए, आप सब याद रख लीजिए, अगर हम भाग एक की बात करें तो एक में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन। दूसरे में क्या है? दूसरे में नागरिकता है। तीसरे में क्या है? मौलिक अधिकार है। चौथे में क्या हो जाएगा? DPSP हो जाएगा। और चार क में क्या हो जाएगा? हमारा मौलिक कर्तव्य। इस हिसाब से बात करें तो हमारा क्या हो गया, चार में DPSP हो गया, तीन में मौलिक अधिकार हो गए, और यहाँ पर नौ की बात करेंगे अगर हम, तो नौ में हमारा क्या हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख इसमें नौ में। अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 11वीं हो जाएगी। 24 अप्रैल 1993 से जो है ये लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में यानी कि जो पंचायती राज प्रणाली है उसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और अनुसूची कौन सी है आपकी? 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 22वां प्रश्न है, देखिए ये क्वेश्चन हो गया 22वां क्वेश्चन देखिए, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोर्स से उत्तर दीजिए। देखिए, संविधान संशोधन, देखिए आर्टिकल से एक से दो क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। तो आप देखिए, संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो 368 में रखा गया है। और ये कहाँ से लिया गया है? संविधान संशोधन की जो प्रणाली है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। वित्त आयोग किस आर्टिकल में रखा गया है? तो वित्त आयोग रखा गया 280 में, ये भी याद रखिए। वित्तीय आपातकाल जो है 360 में रखा गया है। और अखिल भारतीय सेवाएँ जो है 312 में रखी गई हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग किस में हो जाएगा? 324 में चुनाव आयोग हो जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। 76 में महान्यायवादी हो जाएंगे और 148 में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएंगे। 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति, 213 में राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति। ऐसे ऐसे आप कुछ जो है जरूर इसको याद रखिए। 23वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम प्राधिकारी है वो उच्चतम न्यायालय है। कौन हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय ने कि सुप्रीम कोर्ट, हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किसमें है? संविधान के भाग पाँच में अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक। देखिए, 124 में सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा और 214 में हाई कोर्ट, दोनों याद रखिए। जैसे कि आप ऐसे देखिए, 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, 124 में सुप्रीम कोर्ट और 214 में हाई कोर्ट, ऐसे याद रखिए। 112 में जो है राष्ट्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण और 202 में आपका हो जाएगा राज्य का बजट। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाएंगे। 24वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो विषय हमें पहचानना है और बताना है कौन सा सुमिलित नहीं। देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है ये राजसूची का विषय, बिल्कुल सही है। और ये प्रश्न जो है पेट के एग्जाम में पूछा गया 2021 में से पहले। जनगणना संघ सूची का विषय है, बिल्कुल जनगणना संघ सूची का ही विषय है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची है, बिल्कुल गलत है। देखिए, जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है वो चौथी अनुसूची में रखा गया है, चौथी अनुसूची। दूसरे में तो वेतन और भत्ते रखे गए हैं, तो सीटों का आवंटन जो है चौथे में होता है, और दल बदल विरोध जो है 10वीं अनुसूची, बिल्कुल सही है। तो हमारा सी ऑप्शन केवल जो है यहाँ पर सही नहीं, क्योंकि राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन होता है वो चौथी अनुसूची के आधार पर होता है, और यह प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। अगला प्रश्न है 25वां, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो देखिए, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। और वहीं पर बात करें कि महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 26वां प्रश्न देखिए, हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो वैश्विक ताप में वृद्धि को ही जो है हम हरित ग्रीन प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, ताप में वृद्धि। 27वां है,
प्लेग की बीमारी निम्नलिखित में से किस वायरस से होती है? तो देखिए, जो प्लेग की बीमारी होती है वो बैक्टीरिया से होती है। किससे? बैक्टीरिया से। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूची ए को दो से सम्मिलित करना। देखिए, फ्रियोन का संबंध क्या होता है? फ्रियोन प्रसीतक में काम आता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रियोन जो आपका एक प्रकार का क्या होता है? प्रसीतक होता है। 28 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा? प्रसीतक। ट्रिट्रा एथिलेट की बात करें तो ये एंटीनॉक होता है। क्या होता है? ये एंटीनॉक होता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड की बात करें तो ये एक कीटनाशी होता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो ये आपका अग्निशामक जो है ये होता है। तो आप इसको आप खुद देख के मिला लीजिए। 29वां है, कोलाइड विलयन में कणों का आकार कितना होता है? तो कोलाइड विलयन में जो होते हैं कणों का आकार जो है 10^-7 से लेकर 10^-5 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वो किस क्रम में जुड़े होते हैं? देखिए, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वहाँ पर हमारा क्या होता है? समांतर क्रम होता है। क्या होता है? समांतर क्रम। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1/R इक्वल 1/R1+1/R2, ये सीरीज चलता है समांतर क्रम में। 30वां है, 30वां हो गया। अब देखिए, मैथ के 5 क्वेश्चन, मैथ के आपको 5 ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। देखिए, 5 क्वेश्चन आपको मैथ के सब्जेक्ट वाले मिलेंगे और 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे केवल ग्राफ वाले, जिसमें से 5-5 के 4 पार्ट रहेंगे, जिसमें बार ग्राफ रहेगा, पाई ग्राफ रहेगा। वहाँ से आपके 20 क्वेश्चन मिलेंगे मैथ के। तो मैथ से मिला के इस प्रकार से आपका 25 नंबर का हो जाएगा। तो देखिए, 31वां प्रश्न क्या है, एक संख्या का 32% 56 है, वह संख्या कितनी? देखिए, एक संख्या क्या हो जाएगी? एक्स का कितना? एक्स का 32%, यानी कि एक संख्या का 32% कितना है? 56। 32% कितना है? 56। तो संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए, अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? 56 × 100/32। तो 56 × 100/32 जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना बचेगा? x इक्वल बचेगा 175। तो आपसे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। 32वां, इसको सॉल्व करना तो 1.3 है। देखिए, पॉइंट आप हटाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 268 हो जाएगा और 134 से दो बार में कट जाएगा, 134 × 268। तो 1/2 आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का भी। ये भी आसान क्वेश्चन था 32वां। 33वां है कि एक समूह की 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 12.5 है। तो देखिए, 8 संख्याओं का माध्य अगर ये है तो इनका योग कितना हो जाएगा? 12/96 100 हो जाएगा। 14 संख्याओं का माध्य कितना है? 14। तो 14 का 14 से गुणा करेंगे तो योग कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। तो 6 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य क्या है? देखिए, 14 - 8 करेंगे कितना बचेगा? 6। तो इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 96 बचेगा। और नीचे 14 - 8 कितना बचेगा? 6। तो 6 × 6 = 36 16 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 16 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, 34वां प्रश्न यहाँ पर क्या है कि यदि एक्स बराबर 9 दिया है, वाई बराबर √17 दिया है तो x²-y²-1/3-1 क्या होगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। एक्स के जगह पर क्या रखना है? 9। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। वाई स्क्वायर की जगह पर रखना है 17, √17, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 17 ही बचेगा। पावर में है 1/3-1। 81 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 64 बचेगा। 64 - 1/3-1। अब देखिए, 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं। 4³ × -1/3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? 4⁻¹⁻ बचेगा, तो 1/4-1, तो 1 - 4/4, यानी कि -3/4 आपका जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -3/4 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है कि एक बॉक्स में 350 बल्ब हैं, 12% बल्ब फ्यूज़ हो गए तो कितने बल्ब जो है बेचने के लिए पर्याप्त है? देखिए, ऐसे कर सकते हैं कि इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। या तो आप 350 का 12% निकाल के माइनस कर दीजिए तो भी आपका सही आंसर आ जाएगा। एक तरीका और है कि 350 का आप सीधे निकाल लीजिए, क्योंकि 12% बल्ब फ्यूज़ हो गए हैं तो कितने बचे हैं? तो बचे हैं 88%। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 88% 0 0 काट दीजिए, 5 × 7 = 35 कट जाएगा, 5 × 2 = 10 कट जाएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 7 × 4 = 28 हो जाएगा, 7 × 28 = 30, 308 जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आप इसको चाहें तो जैसे कर सकते हैं, 308 आपका आंसर आएगा। अब देखिए, हिंदी के 5 प्रश्न देखते हैं। विकल्प में से जो है हमें विलोम सही छाटना है। तो इहलोक का क्या होता है? इहलोक का होता है परलोक। क्या होता है? इहलोक का परलोक। अपमान का सम्मान होता है, तो इहलोक का परलोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। धरती का समानार्थक क्या है? चंचला जो है विद्युत को बोलते हैं, बिजली को बोलते हैं। अचला करेक्ट हो जाएगा। धरती का क्या होता है? अचला होता है। जिस तक पहुंचा न जा सके उसे बोलते हैं अगम्य। क्या बोलते हैं? देखिए, अगम्य यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है मात्रा में, लेकिन आपका सही आंसर क्या होगा? जहां पर पहुंचा न जा सके उसे बोलते हैं अगम्य।
और जहाँ पर जाना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं, तो जहाँ पर जाना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्गम, जहाँ पर जाया जा सके उसे बोलते हैं गम्य। कौन सा शब्द बहुवचन है? देखिए माता बहुवचन नहीं है, प्रण का बहुवचन नहीं, किताब बहुवचन नहीं। देखिए प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, प्राण क्या होता है हमेशा बहुवचन। भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है? तो देखिए जो भारत भारती लिखा हुआ है ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत भारती जो है यहाँ पर खड़ी बोली में लिखा गया, ब्रज भाषा में नहीं, भारत भारती जो है खड़ी भाषा में लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, 40 प्रश्न रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा मैं जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हम अगले जो 60 क्वेश्चन बचे हैं वो भी आपको अगले वीडियो में करवा देंगे। इसके अलावा पीईटी का जो है जीके, क्योंकि जीके का बहुत ही बड़ा रोल रहेगा करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, तो टॉपिक वाइज हम आपको करवाने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।